to improve this graph, what we'll do is we'll do one more thing. हम इसके ठीक नीचे एक और ग्राफ प्लॉट करेंगे जहां पे हम बैट्समैन के एवरेज के हिसाब से उसका नेम डिस्प्ले करेंगे, राइट? जैसे अभी हम लोग टोटल नंबर ऑफ रन्स के बेसिस पे कर रहे हैं, अब हम लोग एवरेज के बेसिस पे करेंगे, राइट? ये पर्टिकुलर एग्जांपल मैं जानबूझ के ले रहा हूँ बिकॉज आई वांट टू शो यू अ कैपेबिलिटी दैट टैबल्यू हैज एंड दैट इज टू क्रिएट कैलकुलेटेड फील्ड्स. सो अगर तुम एवरेज का बात करो तो इफ यू नो द डेटा वेल यू नो दिस कि हमारे डेटा में देयर इज नो कॉलम बाय द नेम ऑफ एवरेज. So if you want to display the average of a batsman, what you'll have to do is you'll have to calculate it yourself, right? तो Tableau तुमको ये power देता है कि अगर तुम्हारे पास कभी कोई data नहीं है, जो कि बहुत बार होगा, in that case what you can do is you can calculate it on your own from the given columns, okay? So एक बार देखते हैं कैसे कर सकते हैं ये चीज़. You can go down to the bottom and right click और यहाँ पे तुमको option आएगा create calculated field. Once you click on it, यहाँ पे तुमसे बोलेगा उस कॉलम का नाम क्या रखना है. जैसे हमारे केस में विल राइट इट एज बैट्समैन ए वी जी एज एन एवरेज और यहाँ पे यू कैन राइट द फॉर्मूला विच विल कैलकुलेट द वैल्यूज फॉर दैट पर्टिकुलर कॉलम, राइट? एंड वो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग लिखेंगे बैट्समैन का एवरेज क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ रन्स. या इनफैक्ट एक काम करते हैं, पहले सिंप्लीफाई करने के लिए रादर देन कैलकुलेटिंग द एवरेज, बिकॉज एवरेज कैलकुलेट करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, कर सकते हैं मतलब. फाइन, लेट्स डू दिस. फर्स्ट ऑफ ऑल विल डू द, बाय द वे एवरेज होता है टोटल नंबर ऑफ रन्स डिवाइडेड बाय आई गेस टोटल नंबर ऑफ मैचेस, नॉट एग्जैक्टली, मतलब नॉट आउट वगैरह को भी कंसिडर करना पड़ता है, बट फॉर सिंप्लीफिकेशन वॉट विल डू इज हम लोग टोटल नंबर ऑफ रन्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मैचेस करके बैट्समैन का एवरेज निकालेंगे, ठीक है? सो विल राइट सम ऑफ विच कॉलम, बैट्समैन रन्स, एंड विल डिवाइडेड बाय काउंट डिस्टिंक्ट, लाइक ऊपर काउंट है, दिस इज काउंट डिस्टिंक्ट ऑफ आई डी, राइट? एंड दैट्स द फॉर्मूला फॉर बैट्समैन एवरेज, राइट? सो अभी हमने इसमें नॉट आउट कंसिडर नहीं किए हैं, बट अगेन माई आइडिया इज टू शो यू कि Tableau में आप कैसे कैलकुलेटेड फील्ड्स क्रिएट करते हो. सो थोड़ा सिंप्लीफाई किया, ठीक है? एंड विल क्लिक ऑन ओके एंड हमारा कॉलम क्रिएट हो गया, राइट? नाउ व्हाट विल डू इज हम इस बैट्समैन एवरेज को उठा करके रोज में प्लॉट कर देंगे एंड नाउ यू कैन सी कि वी हैव गॉट दिस एवरेज. यहां पर बस एक प्रॉब्लम है कि सारे एवरेजेस एड अप हो गए, लाइक उसका दोनों टीम के एवरेजेस लाइक 29 और 28 एड अप हो गए. विराट कोहली सिंस एक ही टीम में खेला, उसका एवरेज नीचे है. सिमिलरली दिस गाय, ही हैज प्लेड फॉर मल्टीपल टीम्स, युवराज सिंह, सो उसके सारे एवरेजेस ऐड हो गए और वो बहुत बड़ा सा एक बार बन गया, राइट? तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस पॉइंट पे व्हाट वी कैन डू इज वी कैन रिमूव द कलर एज ऑफ नाउ, लाइक रिमूविंग इट लाइक दिस. And now these are the averages. These are the actual averages. So अभी तक अगर तुम बात करो तो सबसे ज़्यादा average is for Simmons, then Chris Gayle and all. यहाँ से तुम अगर select करो Chennai Super Kings for all seasons, so the highest average is with Mike Hussey, right? Similarly for RCB, if you go for all seasons, the highest average is Chris Gayle 37, right? If you select a particular season, let's say 2016, you can see Virat Kohli has an average of 60, right? Or tumhare paas yahan pe batsman runs bhi hai, theek hai? So I guess problem samajh mein aaya kyun hatana pada column, and this is the overall visualization jahan pe tum side by side comparison kar rahe ho strike rate ka aur average ka, average ka aur total number of runs ka. You can also do one more calculation for strike rate if you want to. फिर से हम लोग को एक calculated field बनाना पड़ेगा और strike rate is basically number of runs divided by number of balls played multiplied by 100. तो you can do it, right? So that was best batsman का analysis. Again, I hope समझ में आया, एक बार try करके देखना.